और हमारी संस्था व्यापक जनहित न्याय हित और राज्य हित में काम करती है। व्हिसल ब्लोअर्स की संस्था है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग काम करते हैं और जहां अन्याय अपराध होता है वहां भी हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमें हमारे काम को करने से रोकने के लिए माफिया ने एक्सटॉर्शन रैकेट की शक्ल में हमारे खिलाफ बलात्कार का फर्जी मामला चलाया है और इस मामले को चलाने के बाद उन लोगों ने हमसे रकम की मांग की है। इसमें अधिवक्ता भी शामिल हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कानून का अपराध के लिए प्रयोग किया जा रहा है और कानून के जानकार लोग व्यावसायिक रूप से विधिक राय अपराध करने के लिए दे रहे हैं। ऐसे में अपराध से निपटना बहुत दुष्कर और दुरूह काम हो जाता है। मैं बात करूंगा यहाँ पर लखनऊ के ललितपुर के विष्णु तिवारी जी की, जो 20 वर्ष तक इस तरह के फर्जी आरोप में जेल में रहे और माननीय उच्च न्यायालय ने बाद में निर्दोष पाया। ऐसी गंभीर क्षतियाँ होती हैं, उनके माता पिता भी उनसे छूट गए और उनके भाई का भी स्वर्गवास हो गया और उनमें अंतिम संस्कार तक में भागीदार नहीं हो पाए वो, और ये बहुत ही विकराल स्थिति है। हमें एक्सटॉर्शन रैकेट को हमने रिकॉर्ड किया है और हमें कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें साक्ष्य देने से रोकने के लिए रैकेट के लोग डरा धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और फंसाने की धमकी दे रहे हैं। तो ये मामला बहुतायत में इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। निक्की देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी मामले में न्यायाधीश गौतम चौधरी जी ने ऐसे 50 मामलों को CBI को सुपुर्द किया है और जो विष्णु तिवारी जी का मामला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरिपर्वत पुलिस ने ऐसे वकीलों और पुलिस के रैकेट, वकीलों और फर्जी पीड़िता के रैकेट को पकड़ा है जिसमें वसूली करने के उद्देश्य से यौन हमले या सेक्सुअल असोल्ट कह सकते हैं या बलात्कार का फर्जी आरोप लगा करके संभ्रांत लोगों को प्रताड़ित, पीड़ित और अपमानित करने का काम लोग कर रहे हैं, वसूली के लिए काम कर रहे हैं। अनैतिक रूप से फर्जी आरोप केवल मौखिक बयान के आधार पर लगाए जा रहे हैं, कोई साक्ष्य न होने के बावजूद ऐसे मुकदमे चल पा रहे हैं। ऐसा लेजिस्लेचर बना है और इसका सही इंप्लीमेंटेशन होने के बजाय इसके उद्देश्यों यानी जो महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए जो उद्देश्य था इसका, इसके बजाय अपराध करने के लिए महिला सशक्तिकरण कानूनों का दुरुपयोग हो पा रहा है। इस पर गंभीर चिंता का विषय है और इस पर चिंता की जानी चाहिए और काम किया जाना चाहिए। हम आज इस PC के माध्यम से तमाम रिकॉर्डिंग्स और एविडेंस जारी कर रहे हैं जो हमने माननीय न्यायालय को दिए हैं और हम न्याय के लिए आशान्वित हैं। क्या चाहते हैं आप, मतलब इतने जो फर्जी मामले कानून का दुरुपयोग में महिलाएं करती हैं तो उस पर जो है क्या कहना? हम ये चाहते हैं कि कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, उसका क्रियान्वयन हो, विवेचनाओं में दूसरे पक्ष को भी समाहित किया जाए। हमारे एविडेंसेस को विवेचना में समाहित नहीं किया गया था, इस कारण ये फर्जी अभियोग आज तक अस्तित्व में है। अगर विवेचक महोदय निष्पक्ष विवेचना करते और इसमें उनके द्वारा जो घटनाक्रम जा रहा था वादिया के द्वारा, फर्जी पीड़िता के द्वारा, उसका पुनर्स्थापन भी किया गया होता तो घटना फर्जी पाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा न करके और हमारे द्वारा दिए गए और उपलब्ध साक्ष्यों को बार बार बताए जाने पर भी विवेचना में शामिल न करके फर्जी मामले को सुकर बनाया गया है, ये आज तक अस्तित्व में है, इससे नुकसान हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, विवेचना अधिकारी जो है अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आज के समय? विवेचनाएं निष्पक्ष नहीं हो रही हैं, ये मुझे कहना पड़ रहा है, और जो जन आस्था का विषय है, कानून व्यवस्था में ऐसी गतिविधियों से जन सामान्य की आस्था नकारात्मक ढंग से प्रभावित होती है, लोग विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण कानून पुरुषों के दमन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, अनैतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बहन बेटियों को घर से लेकर निकल लेते हैं आरोप लगवाने के लिए और झूठे आरोप लगा करके सभ्य संभ्रांत लोगों को, ऊर्जावान युवाओं को अपमानित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहे लेकिन कोई सुधार अभी दिख नहीं रहा है। सौरभ जी, आप कानून से जुड़े हुए हैं, फिर भी जो है इतना बड़ा कानून का दुरुपयोग होता है तो कानूनविद जो है, जो वकील हैं या बाकी के जज हैं, इस मसले में क्यों नहीं सोचते? हम आशान्वित हैं, हमने माननीय न्यायालय में साक्ष्य दिए हैं और हमें पूरी विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रक्रियाएं भले ही थोड़ा सा लंबी है या बहुत उसमें परिष्कार की आवश्यकता है, लेकिन हम आशान्वित हैं और पर्याप्त है सेटअप, व्यवस्थाएं पूरी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा और हम न्याय प्राप्त कर सकेंगे। क्या नाम है आपका? अंशुल भारद्वाज। क्या मामला? मामला ये था कि नगर पालिका की जो 39 दुकानें थे वो मेरे द्वारा भ्रष्टाचार उजागर किया गया था, उसके चलते एक विद्यालय की छात्रा द्वारा उनने मुकदमा लिखाया था जिसमें मेरे को नेम्ड किया था। दो लोग और थे जिनसे पैसे लेकर के वसूली करके उन्हें छोड़ दिया गया और मुझे स्पेशली इसीलिए रखा गया कि ताकि वो मुकदमा छोड़ा जा सके। मेरी तलाशी ली जाती थी और मुझसे रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं कर रहा। जब मैंने इन लोगों के खिलाफ रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली, इन लोगों की पैसे की मांग कर ली, मैंने लगातार पुलिस में भी कहा कि उसके लड़कियों के भाई द्वारा ही मुझे पैसे मांगे गए हैं। मैं लगातार प्रार्थना पत्र दिया, मुझे वांटेड दिखाया गया जबकि मैं पुलिस के संपर्क में था, मेरे IGRS वगैरह लगातार मैं पुलिस से मिल रहा था और मुझे वांटेड दिखाया जा रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।